कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में कराहल में मतदाता जागरूकता फिल्म हो रही है शूट। खबर कराहल से है, जहां 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो सके, इसे उद्देश्य को लेकर श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार लगातार रोज नए नवाचार जिले में कर रहे हैं। सितारत्मय में ग्रामीण अंचल में रहने वाले मतदाताओं को अपने वोट की ताकत और चुनाव में अपनी भूमिका समझाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म कराहल में फिल्माई जा रही है। जनपद पंचायत कराहल द्वारा फिल्म संबंधी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस फिल्म में कराहल के योग्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। कलाकारों द्वारा आदिवासी बस्तियों में जाकर एक्टिंग, कई तरीके के नारों और आम सभा के लोगों से लोगों को समझाया जा रहा है कि वह बिना किसी डर भय और लालच में ना पकड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करें। महिला मतदाता से कहा जा रहा है कि वह 17 नवंबर को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने आए। कराहल से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कराहल के उस जगह जहाँ पे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो आज मतदाता जागरूकता की शूटिंग की जा रही है। मुख्य किरदार जो निभाते हैं, जो पूरी शूटिंग का एमजे है, जिम्मा जिनके ऊपर होता है, पालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी पालीवाल जी, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बताना चाहते हैं? कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार जी के मार्गदर्शन में और निर्देश पर पूरे श्योपुर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर है। इसी तारतम्य में आदरणीय कलेक्टर साहब की ये इच्छा थी कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसको देखकर लोग निर्भीक, निष्पक्ष, जाति धर्म के प्रभाव में आए बिना मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़े और जो कलेक्टर साहब की मंशा है, जो परिकल्पना है, संपूर्ण मतदान वह फलीभूत हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने जाएं, मतदाता का प्रतिशत बढ़े और हमारा जिला कर सके संपूर्ण मतदान। पूरे कार्यक्रम की क्या मुख्य झलकियाँ हैं, क्या कुछ इसमें विशेष किया गया है? विशेष यही है, पूरे कार्यक्रम का श्रेय श्रीमान कलेक्टर महोदय को जाता है। उन्हीं की इच्छा थी कि श्योपुर जिले का मतदान प्रतिशत बढ़े, श्योपुर जिला पूरे मध्य प्रदेश में इतिहास रचे। उन्हीं के निर्देश पर हम सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें ऐसी प्रेरणा है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे और संपूर्ण दान भी सफल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं NRLM की AVM सोनिया परियार जी, जो कि ये शूटिंग की अहम हिस्सा रहती हैं और पिछली बार उन्होंने अपना एक किरदार निभाया था। मिलकर जानेंगे क्या कुछ इससे प्रभाव। सोनिया जी बताइए, क्या ये जो आप शूटिंग करती हैं, क्या इसका प्रभाव जनता पे आता है, क्या इसका रिजल्ट है? हमारे द्वारा, कलेक्टर सर के द्वारा जो मूवी बनाई जा रही है वो मतदाता के लिए बनाई जा रही है, मतदान के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी ग्रामवासी उस मूवी को देखकर प्रेरित होते हैं और 100% प्रेरित होकर सभी लोग वोट देने जाएंगे। तो अपने वोट की कीमत का उन्हें अंदाजा होगा कि हमारा एक वोट कितना कीमती है। एक वोट से जीत और हार तय होती है। अगर सभी महिला और पुरुष और युवा अगर अपने वोट की एक को वोट की कीमत समझेंगे तो सभी लोग मतदान देने जाएंगे। इस मूवी से सभी लोग प्रेरित होकर अपना वोट मतदान करेंगे। आप अपने जो विभाग है आपका NRLM में, जहाँ की आप AVM है, वहाँ पे आपने क्या इनोवेशन कराए इसके लिए? हमारे NRLM से जो समूह की दीदियां हैं उनके द्वारा घर घर पीले चावल देकर, एक नौता देकर महिलाएं अपना मतदान के लिए सबको प्रेरित कर रही हैं। साथ में रंगोली बनाकर प्रेरित कर रही हैं, साथ में रैली निकाल रही हैं और रैली निकालने के माध्यम से सभी लोग नारे लगा रहे हैं कि क्या नाम है, सबको ने हम चूल्हा तभी जलाएंगे जब वोट डालकर आएंगे, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, इस तरह के नारे से सभी महिलाएं प्रेरित कर रही हैं एक दूसरे को कि हम सब लोगों को वोट डालने जाना बहुत जरूरी है। पंचायत के सरपंच पति गोपाल डोभास्कर जी, गोपाल जी क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा है आपकी बस्ती में आज? ये मतदाताओं का जागृत करने का है। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी के कोई भी प्रत्याशी के लोभ में या दबाव में लोभन में नहीं आए और अधिक से अधिक संख्या डालें, मतलब वो वोट डालें, अधिक से अधिक कोई भी नागरिक ऐसा ना रहे जो वोट डालने ना जाए, सब अच्छी तरह से वोट डालें, मतलब मतदान होना चाहिए, इसे हो रहा है। इस प्रोग्राम को क्या कुछ देख के जनता उत्साहित है, जनता में कैसा उत्साह है? जनता में अच्छा उत्साहित है कि सब वोट डालने जाएंगे, घर घर से सबसे पहले वोट डालने जाएंगे, इसके बाद में घर का काम देखेंगे।